राम राम बोलना का राम राम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा ये दोनों कुत्ते जो हैं ये आपके आप सबको जानते, ये आप सबको जानते हैं कुत्ते, ये किसी को काटते हैं कि नहीं काटते? आज तक किसी को काटा है इन्होंने? ये एक कुत्ते पहले वाले छोटे वाले का नाम बताओ, बड़े वाले का नाम बताओ। आज कौन सा वार है? अच्छा पहला दिन कौन सा होता है हफ्ते का? संडे की मंडे, चलो संडे मानते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, छठा दिन, छठा दिन पूछा है। चलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आपको पता है आज ये स्पेशल दिन क्यों है? आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि आज हमारे देश में जो कश्मीर की समस्या थी ना वो खत्म हो गई है। वहां पे एक धारा 370 थी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे अखबार पढ़ते हो या टीवी में न्यूज देखते हो, आपने देखा हो कि कश्मीर में कितने सारे सैनिक हमारे बलिदान हो गए और कितनी प्रॉब्लम चल रही थी। वहां पे धारा 370 लगी हुई थी कि वहां के नागरिक को दोहरी नागरिकता मिलती थी, भारत की भी वहां की भी, है ना, अलग संविधान था, इधर का भी उधर का भी, है ना। और वहां पे हमारे इंडिया का कोई भी आदमी अगर जाता तो टूरिस्ट ही बोला जाता था और वहां पे हम कोई जमीन भी नहीं खरीद सकते थे। ये सारी चीजें आज हमारे देश की सरकार ने खत्म कर दी हैं। तो इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूं कि आज कश्मीर हमारा अभिन्न, पहले भी था आज भी है, पर ये विधान में आ गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात। जब आप पढ़ लिख के कश्मीर घूमने जाओगे तो आपको ये नहीं कहेगा कि आप टूरिस्ट हो, है ना। कई बार तो हमें ये सुनने को मिलता था इंडिया से आए हो क्या, हम पूछते थे कश्मीर तो है ही इंडिया का, ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि आप लोग शायद थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि इस समस्या का समाधान कितना अच्छी तरह से होगा। हमारे कितने तो सैनिक वहां पे बलिदान हो गए, अभी पुलवामा में शहीद हुए थे ना हमारे सैनिक, वो भी इसी समस्या के कारण। पाकिस्तान जितने भी मजे लेता था हमारे, वो इसी समस्या को बढ़ा बढ़ा के लेता था, तो आज पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हो। और बेटा रोज अखबार पढ़ा करो सबसे पहली बात तो, है ना। उससे आपको क्या लगेगा कि आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी और देश में दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको पता लग। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज क्या वार है, तो आपने किसी ने बोला संडे, किसी ने मंडे, फिर एकदम से आप सब उस पे आए, है ना। सो अब मैं आपको आप ये बताओ देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे बाप रे, तेज बोलना, देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा गृह मंत्री कौन है? देखा आप लोग अखबार कम पढ़ते हो या टीवी कम देखते हो, है ना आपकी। अच्छा जनरल नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए। अभी सर ने मुझे बताया कि आप में से एक बिटिया सीए किया, उसने सीएस कर रही है ना। एक बेटा है वो वकील बना है, बिटिया ही वकील। कौन सी है बिटिया? दोनों इधर नहीं है, वेरी गुड। अच्छा आप बच्चों में से सिंगिंग कौन करता है, गाता कौन है, कोई गाता है आप में से? आप गाते हो, अच्छा तो इतनी बड़ी लीड है नहीं, आप यहां तक आ सकते हो, श्योर आ जाओ। कुछ गा के सुनो। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, एक तो तेरे नैन पीछे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन पीछे दूसरा काजल लगा, तीसरा तेरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावली
मेरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अच्छा, आप कैसे कोई बिटिया लड़की कोई है जो गाना गा सकती हो या किसी को कोई? अरे आओ शाबाश, फिर मैं आपको बैठो क्योंकि अभी हमने वो खड़ा होने का तो बंद कर दिया है ना, तो बैठ जाते। अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, बींग डायरेक्टर इन हरियाणा कला परिषद ऑफ माय रीजन, मैं सर आपके यहाँ पे एक कल्चर की वर्कशॉप लगाएंगे और उसमें जो भी खर्च होगा चाहे वो 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो या 1,00,000 रुपए हो, वो हम सब सरकार की कला परिषद की तरफ से आपको हम भेंट करेंगे। उसमें आपका कोई खर्च नहीं है, इन सब बच्चों को डांस म्यूजिक कुछ भी सिखाने के लिए हम आपको अनाउंस करेंगे। वो चाहे 15 दिन की लगे चाहे 1 महीने की लगे, उसका सारा खर्च हम देंगे और जो एक्सपर्ट होंगे उसमें हम उनको ही सिखाने के लिए भेजेंगे या फिर आपके जो एक्सपर्ट होंगे उनका पैसा हम खर्च करेंगे, वो आपको डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो एक तो ये मैं आपके लिए घोषणा करता हूँ और दूसरा, जो भी बच्चा यहाँ पे अच्छी सिंगिंग करता होगा उसको हम खुद स्टेज पे बुलाएंगे और उसे हम कैश अवार्ड देंगे जिस दिन भी हम कोई भी अपनी कला परिषद और मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर की ओर से कोई भी शो करेंगे बच्चों के लिए, उसमें भी हम आपको प्रायोरिटी तौर पे हम आपको जरूर बुलाएंगे। इसलिए आप सब लोग चाहे आपको छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर आपको सिंगिंग करनी है सिंगिंग करो, डांस करना हो डांस करो, आपको म्यूजिक सीखना हो इंस्ट्रूमेंट बजाना हो आप करते रहो, मंच देना हमारा काम है हम देंगे। और सुन लो दूसरी बात, ये अनाथ आश्रम नहीं है, असल में ये तुम्हारा एक परिवार है, ये सारी दुनिया एक परिवार है। एक बात बताओ, मेरा मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, मैं बोला मैं नहीं रहता आपके पास, मैं हो गया ना अनाथ। अनाथ कोई शब्द नहीं है, ये तो हम दुनिया में खुद को अकेला महसूस करें तो अनाथ है। आप कभी आपके अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते होगे क्योंकि आपका परिवार देखो 100 लोगों का परिवार है, हम अकेला महसूस करते हैं। मेरे तो मम्मी पापा भाई बहन बस हम 4 लोग हैं, अनाथ तो हम हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा परिवार है, इसको ऐसे ही बनाए रखना आप इस परिवार को, ठीक है? यस। और देखो इसमें लिखा MDD बाल भवन, ये बच्चों का भवन है, आप लोगों का भवन है। और देखो बहुत जल्दी आपका ये वाला भवन तैयार हो जाएगा तो इसके चारों तरफ आपको ही पेड़ लगाने, ये बात और ध्यान से सुन लेना आप। इस भवन में जो फोटो दिख रहा है उसमें भी इसलिए पेड़ नहीं है क्योंकि वो पेड़ बाद में लगते हैं, तो इसलिए इसमें आपने सब बच्चों ने एक एक पौधा लगाना है क्योंकि अभी इस दुनिया में इतना ज्यादा प्रदूषण फैल चुका है कि हमारे पास पेड़ बहुत कम हो गए हैं। जनसंख्या बढ़ी तो मकान बनाए तो पेड़ कटे, जंगल खत्म हो गए, वहां के कंक्रीट के जंगल आ गए, है ना? तो अब आपको पेड़ भी लगाने हैं। तो जैसे जो आपका नया भवन लगे, जिस तरह से आपके इस भवन में भी काफी पेड़ मैंने देखे हैं बाहर, ऐसे ही आपको पूरा एक बच्चे को एक पेड़ लगाना है और उसको पालना है। जब तक बच्चा बड़ा होगा तब तक पेड़ बहुत बड़ा हो चुका होगा। आप सभी एक एक पेड़ लगाओगे ना उस भवन में? हां जी। वेरी गुड। अब इस बिटिया से गाना सुनते हैं। हाँ सुनाइए ना, पंजाबी आता है, पंजाबी सुनाइए। ओ एक गल ते दस मैनू जो जहन च मेरे ओने मथा चुमिया पहलाया हथ चुमे तेरे तेरे बुआ दी तारीफ पका कीती होनी है तेरे जिस्मा ते निशानी कोई दीती होनी है गुजता होया दो ना दे दस दे चेरे ओने मथा चुमया पहलाया हथ चुमे तेरे मैनु सुपने आंदे रेंदे आ ओदे ते तेरे नी ओनु सीने ते सुलावे तू हर रात हनेरे नी चेहरा नहीं कुमदा तेरे आंदे चार चवेरे ओने मथा चुमया पहलाया हथ चुमे तेरे। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटा। और हमारा गीत अभी आया था, हमारा भी एक गीत आया था अभी एक छोटा सा, और क्योंकि आप लोग अभी YouTube कम देखते होंगे लेकिन फिर भी अपना गीत था ना, कौन कहे बहु काले की मैं खाल तार लूं काले की, किस किसने सुना है? सबने सुना
अच्छा सबने सुना है, तो एक लाइन मैं बोलता हूँ, एक लाइन आप बोलो, ठीक है। तने कौन कह बहु काले की मैं, थोड़ा सा उसकी आवाज में हो रही है ना, तने कौन कह बहु काले की मैं, माले आपको तो याद है। तने छोड़ूंगी भर तार मने, एकदम करते तने छोड़ूंगी भर तार मने, ना लोटी से घर मने कवे बहु, अरे दाल डाट तू मने बता, तने कौन कह बहु काले की मैं खाल तार लू, मेरे फोड़े कर्म बिचोले, मेरे फोड़े कर्म हैंडसम। अच्छा खोलने का मतलब क्या होता है? अच्छा कितनी लड़कियां गा सकती हैं, लड़के भी यहां पे आके गा के सुनो ये वाला अंतर, कितनी लड़कियों को याद है? ब्लू ब्लू टी शर्ट में उसको तो याद है, वो मेरे से पहले गा रही है ना, अंजलि। अच्छा ते मे, अच्छा मेरे फोड़े कर्म बिचोले हैंडसम कहवे था कोले, गणी मोटी रिश्वत खा रहा था, कति बात करे था साले की, मन कहे बहु सब, मन कहे बहु सब, ओ मन कहे बहु सब। वेरी गुड। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो, ये देश है दुनिया। वेरी गुड। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई एमडीडी बागवान में आके, और जो मैंने घोषणा की है आप सब लोग तैयार हो जाइए, जब भी आपको आपके यहाँ से हमारे पास मैसेज आएगा, हम आपके लिए बहुत बढ़िया एक कला परिषद और मल्टी आर्ट की ओर से बहुत अच्छा यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के लिए वर्कशॉप आयोजित करेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ जब भी इस साल एनुअल फंक्शन होगा उसमें भी जितने आपके बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी हम जो भी खर्च उनका होगा वो हम अरेंज करेंगे। अच्छा ये गुड़िया कह रही है, एक मेरा सॉन्ग था वो बच्चों ने नहीं सुना होगा, यारा ने ते शौक नहीं से पीने का, पर खुद प्यावे दिलदार तो पीनी पड़ जासे, और बावली बूच भी मारे ते आगे लकड़ गए, जब धोखा दे दे यार तो पीनी पड़ जासे। थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे इतनी देर तक झेला, अटेंड किया और मेरे साथ गाया, मुझे बहुत खुशी है। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, बहुत खुशियां दे, स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसे ही मेले लगते रहे, मिलते रहेंगे, बहुत जल्दी मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा, एक बढ़िया सांस्कृतिक प्रोग्राम जब भी यहाँ पे अरेंज होगा मैं आपके पास आऊंगा, और जो भी मैं परफॉर्मेंस करूंगा यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कलाकारों को लेके आऊंगा और बढ़िया आपके साथ यहाँ शो करें। धन्यवाद। मैं आपके लिए छोटे छोटे पेन लेके आया हूँ, रवि सर और नवीन जी आपको दे देंगे या फिर मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ। ये पेन जो कलम है मैं इसलिए आपके लिए लाया कि मैं जब चौथी क्लास में था तो मैंने एक कविता सुनाई थी, और उस कविता से खुश होके मेरे एक मास्टर जी ने मुझे एक पेंसिल दे दी थी, छोटी सी उनके हाथ में थी, उस पेंसिल का रेट उस टाइम होगा 15 पैसे। बात ये नहीं कि पेन कितने पैसे का है या पेंसिल कितने पैसे की, उस पेंसिल ने मुझे इतना सम्मान दे दिया कि आज मैं आपके बीच एक गायक के रूप में बैठा हूँ। तो क्या पता हमारे तरफ से गिफ्ट किया हुआ ये पेन आपको आपकी उस पेन की कलम से आपके दिमाग से परमात्मा कौन सा गीत आपके हाथ से निकलवा दे और आप बड़े हिट राइटर बन जाओ या साहित्यकार बन जाओ, क्या पता इस कलम की सहायता से आप कौन सी ऐसी कहानी रच दोगे जिसे पढ़ के हम भी हंसते रहे, रोते रहे और आपके लिए दुआएं करते रहे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक पेन आप पैसे ग्रहण करेंगे तो मेरा भी सौभाग्य होगा। थैंक यू बोलो सर।